Hey, what's up guys? Welcome back to a new video. तो guys, इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि कैसा फ्लिकर इफेक्ट अपने PUBG मॉन्टेज में डाल सकते हो। इसके रिलेटेड मैंने पहले भी एक प्रोमो वीडियो बनाया हुआ था, सेम टू सेम वही इफेक्ट हम लोग लाने वाले हैं। तो पहले मैं आपको जो डेमो वीडियो दिखा देता हूँ कैसा वीडियो आज बनने वाला है। So guys, इसमें जो फ्लिकर इफेक्ट है वही फ्लिकर इफेक्ट हम लोग लाने वाले हैं। और मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वी आर क्लोज टू 150 सब्सक्राइबर्स। चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस हम लोग आ गए हैं प्रीमियर प्रो में और यहाँ मैंने एक वीडियो इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पे आपको तीन एडजस्टमेंट लेयर दिख रहा होगा जो कि कलर ग्रेडिंग का एक पार्ट है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है तो मैं ये कवर नहीं करूँगा इस वीडियो में। तो पहला जो एडजस्टमेंट लेयर है गाइस वो होगा अपना ल्यूमेट्री कलर, दूसरा होगा BCC ग्लो एंड तीसरा जो है क्रॉप इफेक्ट, जो एक्स्ट्रा ग्लो इफेक्ट को हम लोग क्रॉप कर देते हैं। सो गाइस यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट लेयर हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा पहले से बना हुआ है तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ और इसके क्लिप के अकॉर्डिंग मैं इसको ड्रैग करके ट्रिम कर लेता हूँ। और फिर आपको आ जाना है इफेक्ट्स पैनल पे और सर्च करना S_Flicker। और ये गाइस एक सफायर प्लगइन का पार्ट है तो आप मेक श्योर आपके पास ये प्लगइन होना चाहिए। और आपके पास अगर नहीं हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर आ सकते हो, वहाँ मेरे से पूछ सकते हो। तो गाइस आपको आ जाना है इफेक्ट्स पैनल पे और टाइप करना है S_Flicker और फिर आपको ड्रैग करके इसको ले आना है एडजस्टमेंट लेयर पे जो आपका टॉप पे, जो कि मेरा अभी V5 है। ओके, सो अभी जो फ्लिकर इफेक्ट में आपको दो ही चीज़ पे मेनली फोकस करना है। आप और भी सेटिंग्स कर सकते हो पर मेनली अभी दो चीज़ पे ही करो। पहला है एम्पलीट्यूड एंड दूसरा है रैंड फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा भी नहीं करो, मैं बोलूँगा 30 से 45 के बीच में आप रख सकते हो। और एम्पलीट्यूड का जो वैल्यू है आप 0.3 से 0.7 तक रखो, बहुत सही बनेगा। आप कोई भी एक वैल्यू टेस्ट कर सकते हो अपने मॉन्टेज में। और अगर आप फ्लिकर इफेक्ट को कंट्रोल करना चाह रहे हो तो आपको की फ्रेम बनाना होगा, आपको एम्पलीट्यूड का की फ्रेम बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से इस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरू में एक की फ्रेम बना लेते हैं 0.3 एम्पलीट्यूड का। और फिर मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ पे स्नाइपर शॉट लगे वहाँ पे जो है फ्लिकर इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाए। तो फिलहाल मैंने रेंडर टाइम कम करने के लिए बाकी जो कलर ग्रेडिंग के जो भी एडजस्टमेंट लेयर थे उसको हाइड कर दिया है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्नाइपर शॉट लगने वाला है, जैसे ही लगा तो यहाँ पे हल्का सा फ्लिकर इफेक्ट बढ़ जाना चाहिए। तो कुछ फ्रेम पीछे आ जाएंगे, लेट्स से 5 फ्रेम पीछे आ जाते हैं और फिर से आपको एक ऐड की फ्रेम कर लेना है यहाँ पे। और फिर से आपको 5 फ्रेम आगे आ जाना है और जहाँ पे स्नाइपर शॉट लग चुका है वहाँ पे अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसको 2 या 3 कर लो, देख लो आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे 3 मैं करने वाला हूँ और फिर जब तक आपको चाहिए ये 3 वहाँ तक रखो। लेट्स से यहाँ तक मैं रखता हूँ और फिर से की फ्रेम बना देता हूँ और फिर 5 फ्रेम आगे जाता हूँ और इसको फिर नॉर्मल कर देता हूँ 0.3। तो अभी देखते हैं गाइस कैसा इफेक्ट आने वाला है, मैं रेंडर करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो गाइज। तो मिलते हैं गाइज नए वीडियो में।